नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग हो चुके हैं तैयार, क्योंकि हम लोग पटना से निकल रहे हैं मधुबनी की ओर और हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। गांव गए हुए मुझे बहुत समय हो गया। मैं और पापा तो बीच में एक बार गए थे, लेकिन हनी सनी को बहुत ज्यादा समय हो गया, इसलिए हनी सनी बहुत ज्यादा बेहद एक्साइटेड है और पापा तो इतना मतलब सुबह सुबह रेडी होकर के हमसे भी पहले नीचे पहुंच गए हैं। गाड़ी आ गई है, हम लोग फटाफट निकलते हैं और चलिए हमारे साथ। मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है इतना जल्दी उठना, लेकिन दादी बाबा से मिलने की एक्साइटमेंट ही ऐसी है कि मैं 5:30 बजे उठ के तैयार हो चुका हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना मतलब 3 साल के बाद, 2 साल तो अपना कोविड ही चल गया, ठीक है, और बीच में कभी हम गांव गए थे, तो आज मौका मिल रहा है हमें गांव जाने का। और आपको पता है सत्तू वाले अंकल ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सत्तू ना पिए तो हम कैसे चलेंगे, ठीक है, तो इंस्टेंट एनर्जी थोड़ा पी लेंगे और ताकत आ जाएगी। उनका नाम सचिन अंकल है, सत्तू वाले अंकल। सचिन अंकल और क्या, हम लोग खूब समय पर निकले थे, अभी हम लोग पूरा सनराइज देखे, मजा आ गया बिल्कुल। अंधेरे से उजाला एकदम हमारे आँख के सामने हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा हम ये सब पीते हैं, थोड़ा सांस लिया जाए अच्छे हवा में। तो थोड़ा सत्तू तो होबाक चाहिए ना। होबाक चाहिए। तो मैं पटना से निकले हुए काफी समय हो चुका है और अभी हम दरभंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त एकदम लग रहा है ना, एकदम खुला खुला, ये होता है मेन इलाका गांव घर का। सही तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लिए हैं, क्योंकि बहुत देर से अंकल ड्राइव कर रहे थे। इतना सुंदर व्यू है, अब कुछ ही देर में हम लोग अपने गाँव पहुँचने वाले है, बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी से निकलेगी नहीं, लेकिन अंदर ही रहेगी। अबे बिल्कुल ऐसा लग रहा है सो के उठी हुए। ये ट्यून सुने हुए तो बहुत दिन हो गए, नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है ये ट्यून सुन के। ये आगे दरभंगा का एयरपोर्ट, पटना से निकले तो ये सोच के निकले थे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, तो उचाइट भगवती स्थान, कपिलेश्वर महादेव मंदिर, ये 2-3 लिस्ट में है हमारे। पापा बोले इनार का पानी हमेशा गरम गरम रहता है, और सचिन है ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रोग्राम देखे रही थी हम सब, मैथिली ठाकुर के प्रोग्राम सुने पिताजी भाई We'll be right back.
लोग पहुंच चुके हैं डीएम सर के घर पे उनसे मिलने के लिए। ये तो हम लोग कहाँ पे ये बताते हैं, अभिषेक अंकल है हमारे और हम लोग अभी डीएम सर के यहाँ से साथ में ही आए हैं और ये उनकी वाइफ और यहाँ पे ये दो आर्टिस्ट हैं और इनके घर पे आई। मुझे नहीं मालूम था मुझे ये सब देखने को मिलने वाला है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। ये क्या है, ये नेचर से लिया गया है। ये है गुदरा से, इसमें ब्लैक शोर के जितना भी रंग आप देख रहे हैं वो सब नेचुरल कलर है। टोटल फूल पत्ते पौधों के देख रहे हैं से टोटल ब्लैक शोर के बाद कहाँ से लाते हो ये ब्लू कलर? बनाते हैं फूल से, सिकट के पत्ते से, फल से, पूरों से रस निकाल के उसमें बबूल का एक गोंद आता है वो मिला के देखिए उसको उबालते हैं पक्का करने के लिए तब उसको लगाते हैं। इसको बोलते हैं कचनी शैली। ये किसी से बनी है बता सकते हैं? एग्जैक्टली गोबर से बनी है, गाय के गोबर से। 3D स्टाइल में हाथी बनाने का प्रयास किया गया है। दूर से जब आप इसको देखेंगे ये आपको लगेगा जैसे 3D हाथी है। हाथी बना है मछली से, ये मछली, ये मछली सारी मछलियाँ ही है। अगर आप गौर से देखें तो मछलियाँ ही मछलियाँ लगे होंगे। तो बस यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से करीबन आधा 40 मिनट लगा, आधा घंटा 40 मिनट अपने गांव पहुंचने में। भाई अराइवल 1 बजे का दिखा रहा है, हम लोग तब से घूम ही रहे हैं ऐसा नहीं, खा पी रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। बस 3-4 मिनट और आपने बहुत तेज नींद आ रही थी। Yeah.